भारत बुला रहा है, रक्त रक्त को आवाज दे रहा है, उठो, हमारे पास अब गंवाने के लिए समय नहीं है। कल नेताजी की 125वीं जन्मदिन की वर्षगांठ थी और जाहिर सी बात है सबके दिल में खुशी थी, प्राउड मोमेंट था हर जगह, मतलब मोटिवेशनल थॉट्स चल रहे थे। अपोजिट पार्टी वाले भी कई लोग कुछ ना कुछ मोटिवेशनली बोल रहे थे, कोई थर्ड ग्रेड की निचले लेवल की पॉलिटिक्स नहीं करना चाह रहा था। इसी बीच जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री जी को तो आप जानते हैं कि सटीक जगह पर जाके बिल्कुल दुखती रख पे हाथ रख देते हैं, तो चले गए वो कोलकाता। आपको पता होना चाहिए कि कोलकाता आज की डेट में कितना ज़रूरी है और क्यों है ज़रूरी। और इसी बीच नेताजी का जन्मदिन, तो जाना तो बिल्कुल था, सोने पे सुहागा हो गया। चुनाव आ रहे हैं भाई, वहाँ पे कुछ ही समय में सत्ता बदल सकती है, इसके बहुत सारे चांसेस हैं, जिससे आपसे नेता मंत्री सब रिज़ाइन कर रहे हैं वहाँ से। वहाँ पे चले गए, वो ममता जी को बुलाया गया। मैं आपको वो क्लिप दिखाना चाहता हूँ। उस क्लिप में जय श्री राम का नारा लग गया। अब जाहिर सी बात है ममता जी को इस नारे से एलर्जी है, क्योंकि उनको तो ये करने की आदत है। तो नारा लग गया और वो चिढ़ गई। उन्होंने कहा कि किसी को बुला के इतना बेइज्जत नहीं करना चाहिए। अब एक बार देख लीजिए। अब हम स्वागत करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मंच पर। आप लोग जरा शांत हो जाएं और इस पावन अवसर पर श्रीमती ममता बनर्जी को मौका दीजिए कुछ शब्द कहने का। नहीं, मेरे को तो लगता है कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए। एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है, और पॉलिटिकल पार्टी का और गवर्नमेंट का पब्लिक का प्रोग्राम है। मैं तो आभारी हूँ प्रधानमंत्री जी का, कल्चरल मिनिस्ट्री का, कि आप लोगों ने कोलकाता में प्रोग्राम बनाया, लेकिन किसी को आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना, ये आपको शोभा नहीं देता। मुझे नहीं समझ में आता कि माना कि लोगों ने सिर्फ इंटेंशनली इसीलिए किया क्योंकि वो इस नारे के खिलाफ है, क्योंकि उनको वहाँ का स्पेशल सेकुलरिज्म बना के रखना, जिस वजह से वहाँ की ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी और जो नंबर्स हैं, जो डेमोग्राफी है, वो बदलती जा रही है। तो उनको पता है कि जय श्री राम का नारा सिर्फ उनके लिए नहीं, उनके वोट बैंक के लिए भी खतरनाक है, तो उनके वोट बैंक को भी इससे तकलीफ हुई, तो इसलिए उनको भी तकलीफ हुई। तो खैर वहाँ से चले गए। उनको इतना, मतलब इतने ऑस्पिशियस मोमेंट पे भी उन्होंने उस चीज़ को पॉइंट आउट करके अपना खेद, गुस्सा, इरिटेशन प्रकट करना जरूरी समझा। चलिए ठीक है, तो मोदी जी भी कहाँ रहने वाले थे। मोदी जी की बारी आई। वो सरकार अखंड भारत की पहली आजाद सरकार थी। नेताजी अखंड भारत की आजाद हिंद सरकार के पहले मुखिया थे। मोदी जी ने कई अच्छी अच्छी बातें की, नेताजी के बारे में बताया, गौरवान्वित फील कराया नेताजी के बारे में बता के। किसी को भी फील होना चाहिए, किसी भी आम उस देशवासी को जिसको लगता है कि भारत उसकी धरती है। तो वो नेताजी के बारे में कुछ बता ही रहता है, आप क्लिप दिखाता हूँ, उसमें मैडम का रिएक्शन देखिएगा। एक CM होते हुए, जनता के रिप्रेजेंटेटिव होते हुए, बंगाल से आते हुए, नेताजी की धरती से आते हुए, उनका ये रिएक्शन था नेताजी की तारीफें सुनते वक्त। जब देश आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है, तब नेताजी का जीवन, उनका हर कार्य, उनका हर फैसला हम सभी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। उनके जैसे फौलादी इरादों वाले व्यक्तित्व के लिए असंभव कुछ भी नहीं था। फिर मोदी जी कहते हैं कि कैसे उन्होंने जिस वक्त महिलाओं के बारे में बस सोचा जा रहा था, विचार किया जा रहा था, उनको थोड़े बहुत हक देने चाहिए वगैरह 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 विदेशों में, तो उस वक्त उन्होंने जो अपनी फ़ौज बनाई थी, आज़ाद हिंद फ़ौज, उसमें महिलाओं का मतलब एक बहुत बड़ा सेक्शन था, बहुत बड़ी तादाद में भर्ती थी। और जैसे कैमरा मैडम की तरफ गया, सब जाहिर बात एक्सपेक्टेशन होगी कि अच्छा रिएक्शन देंगे, कम से कम महिलाओं के बारे में कुछ हो रहा तो एक महिला की तरफ से रिएक्शन आना बहुत ज़रूरी है, जो एक क्षेत्र की, एक राज्य की मुखिया भी है। तो उन्होंने क्या रिएक्शन दिया? नहीं, मन में वो रो रही थी। उस दौर में जब दुनिया
महिलाओं के सामान्य अधिकारों पर ही चर्चा कर रही थी, नेताजी ने रानी झांसी रेजिमेंट बनाकर महिलाओं को अपने साथ जोड़ा। खैर, मैडम का ये पूरा रिएक्शन उनके पॉइंट ऑफ व्यू से जायज भी है, क्योंकि कुछ ही समय में चुनाव है। जाहिर सी बात है, भाजपा के हर जगह का भी कहीं भी चुनाव होता है, चेहरा तो मोदी जी ही होते हैं, और वो चेहरा खुद आके जनता को मोटिवेट कर रहा है, तो सामने देख के किसी तरीके से पॉलिटिकल जो प्रोटोकॉल जो भी होता है उसको फॉलो करते हो, तो उन्होंने सम्मान दे दिया कि मोदी जी का धन्यवाद वगैरह वगैरह करना पड़ गया बेचारी को। लेकिन अब वो कैसे टॉलरेट करती कुछ समय उनकी स्पीच सुनना, जिसको जिसके नेताओं को जिसके मंत्रियों को वो अपने बंगाल में घुसने नहीं देती है, रोक लगा देती है, उसको स्पीच देते हुए वो भी चुनाव से जस्ट पहले, कैसे टॉलरेट कर पाती है। तो ये रिएक्शन बहुत जायज़ था। अब बंगाल की जनता को ये समझना है कि आपको नेता चाहिए कैसा, आपको ये समझना पड़ेगा कि क्या उसके लिए अपीजमेंट इस हद तक चला गया है कि भले बंगाल में क्योंकि मुसलमानों में जो यूनिटी होती है वो आग बन करके वोट दे देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि बस कोई हिंदू माइंडसेट का ना आए, हम उसको वोट दें, और ये तो पूरी इस्लामिक माइंडसेट वाली हैं, तो वोट देना तो जायज़ है। और इसी तरीके से डेमोग्राफी का चेंज वगैरह वगैरह आप सब जानते हैं। तो क्या बंगाल की जनता ये एक्सेप्ट करेगी, एटलीस्ट वो हिंदू जनता ये एक्सेप्ट करेगी कि हम धीरे धीरे वैनिश होने के कगार पे आ चुके हैं बंगाल से, हमारा कल्चर भी ख़त्म हो जाएगा। आप क्या चाहते हैं, जैसे पाकिस्तान में हुआ, वहाँ से पंजाबी भाषा मिटाने की कोशिश की गई, उर्दू को जबरदस्ती इम्प्लीमेंट किया गया, लेकिन नहीं, वहाँ के लोग जो इन नेटिव लोग थे अभी भी पंजाबी ही बोलते हैं, चाहे मुसलमान हो चाहे जो, लेकिन कोशिश पूरी की गई थी उर्दू को इम्प्लीमेंट करने की दोनों जगह, लेकिन हो नहीं पाया। बंगाली ख़त्म करने की कोशिश की गई दोनों जगह, लेकिन नहीं हो पाया। खैर, इस बात को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। कोई नया है तो मैं चाहता हूँ अभी तक अगर देख रहा है तो लाइक कर दे, कोई नया है तो सब्सक्राइब कर दे, और अपना पॉइंट ऑफ व्यू बंगाल के बारे में, ममता बनर्जी के बारे में, मोदी जी के बारे में, किसी के बारे में, नेताजी के बारे में, कि आपने उनसे क्या सीखा, कमेंट में बताइएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।